बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आप सबका स्वागत है। आज हमारा बनारस में फोर्थ डे है, तो फिर चलिए आप लोग हमारे साथ बनारस को एक नए ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। बनारस की सबसे फेमस कचौड़ी का नाश्ता यहीं राम भंडार में मिलता है, तो हम अभी यहाँ राम भंडार में आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, इनका टाइमिंग है 8:30 के आसपास ही लोग ओपन करते हैं। अगर लोकेशन की बात करती हूँ तो वैसे तो ठटेरी बाजार में है, पर अगर आप विश्वनाथ मंदिर से आगे चलते हो, गेट नंबर 4 से थोड़ा सा आगे चलते हो तो पहले मणिकर्णिका घाट की गली आती है, और उससे आप तकरीबन 200-300 मीटर आगे चलेंगे तो फिर ठटेरी बाजार वाली गली आ जाएगी, और उसमें थोड़ा अंदर आके ही है ये राम भंडार। और यहाँ पे राम भंडार भी कई सारे हैं, एक श्री राम भंडार है, एक राम भंडार है, पर ऑथेंटिक वाला जो राम भंडार है वो पहले पड़ता है, अब वहीं पे रुकिएगा, द राम भंडार नाम है। भीड़ देख रहे हो, अभी शुरू हुआ है, मतलब पहली प्लेट हमें मिली है, अभी ये दुकान शुरू हुई है उससे पहले यहाँ भीड़ है, और पतली पतली सी गलियों से हम ढूंढते हुए आए हैं। ये तो अभी छोटी कचौड़ी तल रहे हो ना भैया, बड़ी बाद में बनाओगे, इनको बड़ी बोलते हैं भैया, है ना जी। ये देशी घी में बनाते हो ना भैया कचौड़ी भी? छोटी कचौड़ी जो होती है ना, इनकी समोसे जैसी होती है, हमारा समोसा होता है, और इसमें इन्होंने चने की और आलू की सब्जी और चटनी, हरी चटनी, और ये सबसे पहली प्लेट है जो हमें मिली है। टेस्टी है भाई साहब, ऐसे ही खुलने से पहले इतनी भीड़ नहीं लगी थी यहाँ। देशी घी में इसमें, इसके अंदर आलू की स्टफिंग है कचौड़ी के अंदर। यहाँ बनारस में अभी भी पत्ते के दोने चल रहे हैं, और दोने में इन्होंने हमें दी है ये आलू चने की सब्जी है, इसके ऊपर मूली का लच्छा है, और हरी चटनी और मीठी चटनी है, साथ में ये बड़ी कचौड़ी। बड़ी कचौड़ी आटे की है और अंदर उड़द की दाल की पिट्ठी है। इतनी भीड़ को जस्टिफाई कर रहा है ये टेस्ट कच्चब का, मतलब आलू में खटास है, मिठास है, स्पाइसेस थोड़े से तेज हैं, बहुत टेस्टी, और ये एकदम क्रिस्पी, ये जो है कचौड़ी, बहुत करारी सी कचौड़ी है। परफेक्ट नाश्ता है ये, खा लो, शाम तक आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आराम से पूरा बना लो, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। देखिए ये जो गलियां है ना, ये इन्हीं के नाम है, यहाँ आपको चलना पड़ेगा इनकी इजाजत के साथ, अभी हमें जाने देंगी। मेन गेट है इनके, इतने छोटे छोटे। बनारस की गलियों में घूम रही हूँ, सुंदर से छोटे छोटे से दरवाजे हैं, और ग्रैफिटी हो रखी है बहुत खूबसूरत से, बड़ी कलरफुल सी गलियां हैं, बड़ी हैपनिंग सी गलियां हैं। बनारस में जो पुराने घर हैं गलियों के बीच में, उनके दरवाजे छोटे हैं, छोटे दरवाजे हैं, मतलब आपको झुक के जाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप घर के अंदर आओ तो अपना ईगो बाहर छोड़ के आओ, अक्सर झुका के आओ। बनारस की गलियों में घूमते घूमते जब हम पहले राम भंडार जो कचौड़ी जहाँ पे हमने खाई वहाँ से आगे आए, और वहीं गली में ये है श्री जी मलाइयों वाले। मलाइयों मतलब डेलिकेसी बनारस की, जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है, तो आइए चलिए मलाइयों खाते हैं।
ये है मलाइयो। सच्ची में ऐसा जैसे हवा खा रहे हैं एकदम झाग। मीठा है, सेफ्रन का टेस्ट है, बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स है और इतना हल्का मुंह में जाके पता ही नहीं चल रहा कि कुछ खाया भी है। किसी ने ना सही कहा है कि दूध के झाग को बेचने की कला भी ना बनारसियों पे ही आती है। पर बहुत टेस्टी है। ये ना दूध को उबाल के मतलब रात को ओस में रखते हैं और फिर उसको मथते हैं सुबह, तब उससे बनता है ये मलाइयो। पहले मलाइयों और मलाइयों के बाद फिर ये सैफरन वाला दूध। मैं ऐसे ही कह रही थी बनारसी दूध भी पिलाते हैं, सिर्फ झाग ही नहीं बेचते। ये दूध तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। मजा आ गया भाई। तो अभी हमने कचौड़ी खा ली, मलाइयों खा लिया, अभी हम सोच रहे हैं सारनाथ जाने की। और सारनाथ हम जाएंगे ऑटो करके, ऑटो करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ अभी हम गोल घर पे हैं, यहाँ से ऑटो करके हम सारनाथ जाने की सोच रहे हैं। ये ऑटो के लिए बार्गेनिंग हो रही है। 500 में हम जा रहे हैं सारनाथ। सारनाथ बौद्ध धर्म की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इसी जगह से शुरू हुआ था। मुझे सामने स्टैचू आप देख रहे हैं, ये है अनाकारिका धर्मपाल जी और इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था 1931 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। और जब उस टाइम पे इस मंदिर के निर्माण में 70,000 रुपए का खर्चा आया था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म की धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस मंदिर का बौद्ध धर्म में बेहद खास स्थान है। जो अशोक स्तंभ है उसके पास ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। भगवान बुद्ध की गोल्डन मूर्ति है यहाँ पर और मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध के जीवन में घटित हुई सारी घटनाओं को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। काफ़ी शांति का अनुभव आप यहाँ आकर कर सकते हैं। तो अगर आप वाराणसी जाते हैं तो सारनाथ का ये मंदिर ज़रूर घूम कर आइएगा। वृक्ष देखने के लिए जिसके नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो घंटा अष्ट धातु का घंटा है और इसको ये कहते हैं कि 4 बजे जब इसको बजाया जाता है तो 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी साउंड जाती है। इन पे लिखा रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बोध प्राप्त होने के बाद पहली बार उपदेश दिया था और ये उसी का मॉडल बनाया गया है। भगवान बुद्ध हैं और उनके 5 शिष्य। सारनाथ का बौद्ध स्तूप है। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद इसका निर्माण कराया था और ये जो बना हुआ है उस टाइम पे टेराकोटा ईंट बनती थी, टेराकोटा ईंट से बना हुआ है, 2300 साल पुराना है। और बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म शुरू हुआ था वो इसी जगह से शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म की। और गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश यहीं बैठकर दिया था
इसीलिए फिर सम्राट अशोक ने यहाँ पे ये स्तूप बनाया है। चारों तरफ से ऐसा ही है ये स्तूप, आप किसी भी दिशा से देख लेंगे ऐसा ही दिखाई देगा। अशोक चक्र जो हमारा एक नेशनल सिंबल है, वो अशोक चक्र भी यहीं से लिया गया है, इसी के अंदर अशोक चक्र था, उसको उठा करके अब म्यूजियम में रख दिया गया है। और सारनाथ का अगर हम फुल फॉर्म भी देखें तो संस्कृत का वर्ड है सारंगनाथ, उसका अपभ्रंश है सारनाथ। सारंगनाथ मतलब गॉड ऑफ डियर, यहाँ पे बहुत सारे हिरण हुआ करते होंगे इसलिए इस जगह का नाम सारनाथ है। और पास में ही सारनाथ गांव है। ये टेराकोटा से भगवान बुद्ध की देखिए कितनी खूबसूरत सी ये मूर्ति बनाई गई है। ये 50 रुपये आप बता रहे हैं भैया, इसके 50 रुपये इसका प्राइस है। बहुत सुंदर सा है, टेराकोटा से बनाया गया। तो अभी यहाँ सारनाथ में ही हम ये जैपनीज टेम्पल देखने आए हैं। भगवान बुद्ध की ये स्लीपिंग मुद्रा और ये चंदन की लकड़ी से बनाई गई है। ऊपर वो जो झूमर आप देख रहे हैं ये भी चंदन की लकड़ी से बनाया गया है और इसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की गई है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये गोल्ड का झूमर है, बट ये गोल्ड का नहीं है, चंदन की लकड़ी से बनाया गया है और उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की गई है। बेहद खूबसूरत और बहुत शांति, सच में शांति का अनुभव आप कर सकते हैं यहाँ। ये अभी सारनाथ में ही है शांति स्तूपा, इसको 2010 में बनाया गया था। और ये जो मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप है उन्हीं की कॉपी बनाई गई है यहाँ पे। तीर्थ स्तूपा में हम लोग ऊपर जा रहे हैं, चारों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं इसमें, तो बड़ा सुंदर सा ऐसे शांति स्तूप आपने लद्दाख में काठमांडू में देखे होंगे, ये सारनाथ में भी है। यहाँ पे 4 भगवान की मूर्तियाँ हैं, हर एक मूर्ति में भगवान अलग तरह की मुद्रा बना रहे हैं। ये स्लीपिंग बुद्धा है और बहुत खूबसूरत सा है। साथ में जो इसका एंट्रेंस गेट बनाया गया है वहाँ पे, वो सांची के बौद्ध स्तूप से लिया गया है। बोनसाई पीपल ट्री है और इसके नीचे भगवान बुद्ध की कितनी सुंदर सी मूर्ति है। और ये भी जो मेन बोध गया का पीपल ट्री है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं से उसी से शाखा काट के लाके यहाँ लगाई गई है और उसको बोनसाई बनाया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत। एक बनारस में आके हम कितने सारे कल्चर से एक साथ परिचित हो गए। जैपनीज मंदिर के नीचे खड़े हैं, शांति स्तूप है, बोध गया की सारी फीलिंग यहाँ पे है, हिंदू जैन बौद्ध हर एक धर्म का यहाँ पे आपको संगम मिल जा रहा है। और बनारस में तो हमने देखा ही था कि वहाँ पे बंगाली, साउथ इंडियन और साथ में बहुत सारे कल्चर वहाँ पे हैं। आप यहाँ सारनाथ में बहुत सारे ऐसे हथकरघे देख सकते हैं जहाँ पर आपको साड़ी बनते हुए दिख जाएगी और आप वहीं से साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ खरीद भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं? इसमें जितना होल है ये डिजाइन है। अच्छा अच्छा, ये डिजाइन का वो बनाया हुआ है आपने? साँचा बना हुआ। हाँ, उसके बाद वो जो मशीन है, हाँ, छेदा उसी में वो पास करता है, उतना ही उठाएगा। अच्छा, तो डिजाइन बनेगा वहाँ पर, देखिए जो बना है डिजाइन में। ये डिजाइन, ये प्योर सिल्क है? यहाँ प्योर सिल्क मिलेगा, यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं है, 5 साल की गारंटी रखी है। अच्छा, सिटी में जाएंगे वहाँ पे गारंटी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 साल की गारंटी रहती है, कोई से भी साड़ी लग जाइए, यहाँ 200 की भी आइटम लेके जाएंगे तब भी 5 साल की गारंटी रहेगी। ये सब सिल्क है, हैंडलूम। बड़े वाला कितने का है? 550 का। और ये छोटे वाले? छोटे वाला 150। ये 150 का, ये 80 का, ये 550 का।
गदोलिया चौराहे पर चर्च के जस्ट सामने है काशी चाट भंडार। और एक पालक चाट और पालक चाट। आप काशी में आए और काशी चाट भंडार में चाट ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह हमें यहाँ आने का मौका मिले, पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो आज हम टाइम से यहाँ पर आए हैं और आके हमने ऑर्डर कर लिया है। क्या क्या आने वाला है वो मैं बताऊंगी। एक छोला मटर आपको, टमाटर चाट, इसमें टमाटर का खट्टापन है, घी का फ्लेवर है और चाशनी की मिठास है। अल्टीमेट टमाटर की चाट। पहले जब गई थी नहीं सोचा था कि टमाटर की चाट भी हो सकती है और इतनी स्वादिष्ट होगी। ये हमने मंगाई है पालक की चाट, इसमें पालक के पत्ते का पकौड़ा है और उसके ऊपर चटनी डाली गई है और दही है। जो पालक का पकौड़ा है एकदम क्रिस्प और साथ में जो चटनी है ना एकदम परफेक्टली ब्लेंड हो रहे हैं सारे टेस्ट। जो बनारस में चाट इतनी टेस्टी लगती है ना, उसमें जो सबसे मेन चीज है वो है बनारस की दही। बनारस की दही इसका टेस्ट इनहेंस कर देती है। अब ये अगली चाट है चूड़ा मटर, जिसे चूड़ा मतलब पोहा होता है और मटर की चाट है। इसमें चूड़ा है, मटर है और ये एक कोई सिवैया टाइप का, इसमें क्या बोलते हैं, सेव डाली गई है और इसमें ना हींग का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। आलू टिक्की चाट और ये नोनू भाई की स्पेशल फरमाइश पे मंगाई गई है, इसको भी खा के मैं बताती हूँ। चाट है ना, इनकी जो खासियत है वो है चटनी और देशी घी। ये सारी चाट देशी घी में बनी है और इनकी चटनियाँ ना बहुत अच्छे से ब्लेंड है, इनके अंदर सारे टेस्ट जो है बहुत अच्छे से। और दही तो काशी की है, बनारस की दही हर चीज का टेस्ट बढ़ा देती है। और मजे की बात ये है चाट ठंडा है और कुल्फी फालूदा भी मिलती है।
अभी 11 बजे की हमारी ट्रेन है और हम फिर से घाट पे आए हैं। 5:30 का टाइम है, फिर से आरती देखेंगे जाते जाते। मतलब जा रहे हैं बनारस को छोड़कर, पर बनारस को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अपने साथ बनारस का एक हिस्सा लेकर जाने वाले हैं, हमेशा हमारी यादों में बनारस रहेगा और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फिर से बनारस वापस आने की। बनारस के इन घाटों पर हमारी आज आखिरी शाम है। 4 दिन से हम लोग बनारस में हैं, आज हमें फाइनली वापस नोएडा जाना है। मन बहुत भारी है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बनारस छोड़कर जाने का मन किसी का नहीं करता और वैसे भी बनारस के सफ़र का अंत कभी हो ही नहीं सकता। बनारस में कहें तो हर कदम पर एक भगवान है। अगर आप एक तीर्थयात्री की तरह बनारस में आते हैं तो हर कदम पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा। अगर आप एक साल भर के लिए भी बनारस में आ रहे हैं तो भी यहाँ पर इतने मंदिर हैं कि आप डेली दर्शन करेंगे तो भी वो मंदिर ख़त्म नहीं होंगे, तो भी बनारस का सफ़र आपका ख़त्म नहीं होगा। पर इस सफ़र को कहीं ना कहीं तो विराम देना ही था। आज हम इस सफ़र को विराम देते हैं और अपने घर वापस जाते हैं। चलते चलते रास्तों में फिर कहीं आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स। थैंक यू।